श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज है बुधवार की अष्टमी। गुरु जी कहते हैं पांच दीपक अगर विशेष अष्टमी तिथि के दिन लगा दिए जाए ना तो संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। हालांकि अष्टमी का दिन साधारण नहीं है दोस्तों। आज के दिन दुख बीमारी को दूर करने के कई सारे उपाय बतलाए समझाए गए हैं जो कि अपने आप में अद्भुत हैं, क्योंकि बुधवार के दिन अष्टमी, जिसे दुर्वा अष्टमी के नाम से जाना जाता है, अपने आप में अद्भुत होती है और कभी कभी ही प्राप्त होती है। साल में एक या दो प्राप्त होती हैं। यह दिन आपको छोड़ना नहीं है, इस दिन का खूब लाभ उठाना है। संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए सबसे पहले सरलतम तरीके से आज आप सभी को गौ माता को एक चीज जरूर से खिलानी चाहिए। आप सभी जानते होंगे बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है हरा चारा या हरे रंग की कोई भी वस्तु। आज बुध ग्रह की कुंडली में स्थिति मजबूत करने के लिए हरे रंग के कपड़ों का चयन करें। साथ के साथ आप सभी अपने हाथ की हथेली में, ठीक है, अपने हाथ की हथेली में आवश्यक रूप से विशेष तौर पर थोड़ा सा हरा मूंग लेना चाहिए आपको, और एक गुड़ का टुकड़ा और एक बेलपत्र रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर आप सभी को, नंदी महाराज को, यह एक चीज जरूर से खिलानी चाहिए। कहा जाता है, इससे शास्त्र प्रमाण मिलता है कि जो प्रतियोगी परीक्षा में करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे आपके बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ट्रांसफर इत्यादि की समस्या के लिए जूझ रहे हैं, क्योंकि बल बुद्धि विद्या देने वाले गणेश जी महाराज हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, उन्हीं का आज दिन है। तो आज के दिन यह सरल सा कार्य समस्त शिव परिवार की असीम कृपा प्राप्त करवाने वाला होता है। आप सभी को रात्रि तक जरूर से कहीं भी नंदी जी अर्थात बैल दिख जाए तो जरूर से यह चीज खिलानी है। बच्चे दूर रहते हैं, कहीं पढ़ाई करते हैं, कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका नाम गोत्र बोलकर भी आज नंदी बाबा को अगर आप हरा चारा खिलाते हैं तो श्रेष्ठ है। नहीं तो जो मैंने उपाय बताया ना, आपको एक बेलपत्र लेनी है, सिर पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं, थोड़ा हरा मूंग लेना है और गुड़ की बट्टी नंदी बाबा को जरूर से आज रात्रि तक खिला देना है। फिर देखिए कैसे उनके भाग्योदय होते हैं, जहां वह जाएंगे वहां उन्हें सफलता मिलती हुई आप देखेंगे, कहीं ना कहीं किसी स्वरूप में हो रही है। तो करके देखिएगा, रात्रि तक खुशियों के भंडार निश्चित ही भरेंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा और सब कार्य निरंतर रूप से सुखी होंगे, सब कार्य बनने आरंभ होंगे। रात्रि तक इस उपाय को करना ना भूलें, करना है आप सभी को जरूर से। यह हो गया प्रथम उपाय। हम बात कर रहे थे पांच दीपक के उपाय। गुरु जी कहते हैं पांच दीपक अगर विशेष तिथि पर सही स्थान पर जो लगा देता है ना, उसके भाग्य में जो है परिवर्तन निश्चित रूप से होता है। संभव हो आटे के दीपक बनाए, नहीं तो माटी के दीपक भी ले सकते हैं। साफ स्वच्छ बिना नमक का आटे का दीपक उत्तम माना जाता है। आटे का दीपक जब जब प्रज्वलित होता है तो दीपदान का फल प्राप्त होता है। ही आटे का दीपक जो घर से आपने बनाकर इन स्थानों पर जो है लगाया है, वह ठंडा होकर वहां पर विराजमान जीव जंतु, वन्य जीव जंतु या धरातल पर स्थित जो जीव जंतु से ग्रहण करते हैं, आपको इससे अन्नदान का भी फल मिलता है। इसलिए आटे के दीपक मनोकामना पूर्ति में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। तो आप सभी को पांच दीपक लगा लेने हैं। सबसे पहले प्रज्वलित कर लीजिए, एक थाली में विराजमान कर लीजिए और उसमें रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित कर दीजिए। मन में प्रणाम करें, भाव करें कि आज अष्टमी तिथि पर, विशेष दुर्वा अष्टमी के शुभ अवसर पर पांच दीपकों का दान करने जा रही हूँ। हे प्रभु, मेरा जीवन सुखमय बनाए और सब सुख जीवन में मुझे प्राप्त करवाए, ऐसी प्रार्थना आप सभी को करनी है। और प्रथम दीपक आपको अपने घर के मंदिर में गणेश जी महाराज का स्मरण करते हुए, अपने पितरों का, अपने इष्ट का और अपने कुल देवी माँ का ध्यान करते हुए सबसे पहला दीपक आप सभी को घर के जो है मंदिर में प्रज्वलित करना है। दूसरा आपको अपने जो है तुलसी माता के क्यारे के पास प्रज्वलित करना है। हमेशा तुलसी माता में गोल बाती का भी दीपक प्रज्वलित किया जा सकता है, लंबी बाती का भी प्रयोग जो है शास्त्रों में वर्णित है। तो दूसरा दीपक माँ तुलसी के समक्ष आप प्रस्तुत करें। तीसरा दीपक माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करें। अपने पितरों का स्मरण करते हुए घर की रसोई घर में आप सभी जरूर से लगा दीजिएगा। आज रात्रि तक, देर रात्रि तक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर संभव हो तो ठीक प्रदोष काल में, जब सूर्य अस्त हो रहे हो, हल्की सी रोशनी हो और हल्का सा अंधेरा हो, यह समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है दीपदान के लिए। तो प्रयत्न करना चाहिए आप सभी को, आवश्यक रूप से इस सही समय पर आप सभी को दीपदान करना है। यह दिन साधारण नहीं है, यह दिन अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। इस दिन अगर दीपदान किया जाए ना तो अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो आप सभी को जरूर से यह विशेष दीपदान करना है। दीपक से दीपक प्रज्वलित ना करें, साफ स्वच्छ मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए
या महादेव से संबंधित कोई भजन चलाते हुए या शिव महापुराण कथा का श्रवण करते हुए भी आप यह कार्य करते हैं तो अति श्रेष्ठ माना जाएगा। रसोई घर में हमेशा लंबी बत्ती का ही प्रमाण मिलता है, क्योंकि पितरों के नाम की भी लंबी बत्ती लगती है, रसोई घर में अन्नपूर्णा देवी माँ के नाम की भी लंबी बत्ती लगती है। जो भक्तजन नए जुड़ते हैं, जैसे कि जो नए बच्चे होते हैं हमारे, उन्हें इन चीज़ों का कम आभास होता है, तो उन चीज़ों को बताना जो है ज़रूरी हो जाता है। हमने बात कर ली जो है तीन दीपक की, आप सभी को चौथा दीपक अपना अगर कहीं आसपास शिव मंदिर है, जैसे शिव मंदिर आपके आसपास है कहीं जो है, विशेष तौर पर होता तो यही है कि पास में हो, न होने की स्थिति में आप सभी घर के दरवाजे पर शिव मंदिर में दीपदान कर रही हों और साथ के साथ बहते हुए पानी में दीपदान कर रही हों, यह कहते हुए वह दोनों दीपक भी घर के मंदिर में जो है या तो लगा दें या घर के दरवाजे पर लगा दें। आपने गुरु जी के मुख से भी यह बात सुनी होगी, जब आप उस स्थान पर नहीं जा पाते हैं या आपके घर पर भी पंडित जी आते हैं तो वह बताते हैं कि अगर यह चीज़ नहीं है तो आप उस स्थान पर उस स्थान का भाव करते हुए कि मैं इस चीज़ को समर्पित कर रही हूँ भावपूर्ण तरीके से, कि मैं शिव मंदिर जाकर दीपदान कर रही हूँ, मैं किसी बहते हुए नदी में दीपदान कर रही हूँ या किसी पवित्र पेड़ के नीचे दीपदान कर रही हूँ, ऐसा भाव करते हुए आप सभी को घर के दरवाजे पर आज जो है इन दीपकों को प्रज्वलित कर देना चाहिए। यह दीपक जो है आकाश दीप के स्वरूप में भी हो जाएगा, अर्थात खुले आसमान के नीचे आकाश में सभी देवी देवताओं का वास है, उनके निमित्त भी यह दीपदान हो जाएगा। तो घर के दरवाजे पर अपने हाथ के दाहिने ओर जो है आप सभी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इस दीपक का मुख करते हुए प्रज्वलित कर लेना चाहिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए आपको प्रार्थना करनी चाहिए और प्रभु तत्व जीवन में आए और सभी की कामना सिद्ध हो, यह कहते हुए सरल सा आपको कार्य करना चाहिए। हालांकि इससे पहले हरे मूंग का उपाय और विशेष शहद और चने की दाल का उपाय भी वीडियो में करके दिखाया गया है, कृपया वह वीडियो देखिए और अपना जीवन सार्थक करें, गलती ना करें। दोस्तों, गलती जो है कहीं ना कहीं पूजा पाठ के फल को खत्म कर देती है, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, फिर जाके उपाय कीजिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। अब आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो रात्रि को अपने घर के शिवलिंग में ही आप सभी आज के दिन 108 दाने हरे मूंग लीजिएगा, नाम गोत्र बोलिएगा और साथ के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कहिएगा, या आप दुख बीमारी से पीड़ित हैं तो आप सभी महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर देते हैं तो शुभ ही शुभ माना जाता है। 108 हरा मूंग का दाना या 108 की संख्या या मंत्र जाप अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। आप सभी शिवलिंग पर पूर्ण रूप से हरे मूंग के 108 दाने समर्पित करते हैं मंत्र जाप करते हुए तो भाग्य परिवर्तित होता है, दुख दरिद्रता का भी नाश होता है। तो देर रात्रि तक घर पर विशेष तिथि में आज यह उपाय कर सकते हैं, निश्चित ही भाग्योदय होगा। आरिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज का दिन है तो उन्हें आवश्यक रूप से आप दुर्वा समर्पित करें, दुर्वा की माला समर्पित कर सकते हैं। आप उन्हें यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ सुपारी उन्हें बहुत प्रिय है, उनके मंदिर में जाकर या घर पर ही गणेश जी महाराज विराजमान है तो वहां पर भी आप सभी उनका विशेष श्रृंगार करें। उनको जो चीज़ प्रिय है मोदक इत्यादि का, आप सभी विशेष तौर पर उन्हें भोग लगाएं, भाग्य परिवर्तित होगा और दुख दरिद्रता का भी नाश होगा। करने का प्रयत्न करें, फिर देखिए कैसे भाग्य परिवर्तित होता है, रोग दोष संकट का नाश होता है, कर्ज इत्यादि भी पूर्ण रूप से माफ होता है। करके देखिएगा, आज खुशियों के भंडार भरेंगे, साथ के साथ गणेश जी महाराज के साथ आज महादेव का हरी चीज़ों से श्रृंगार खूब सुंदर तरीके से। आप किसी भी पेड़ के पांच पत्तियां अर्थात कि अलग अलग वृक्षों की जो है पांच तरह के वृक्षों की पत्तियों से महादेव का श्रृंगार कर सकते हैं, पुष्पों से कर सकते हैं, सफ़ेद फूलों से, फिर निश्चित ही भाग्य परिवर्तित होता है। इस तरह से जानकारी थी, वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, हर हर महादेव कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से लिखिएगा। कृपया आपसे अनुरोध है कि जो वीडियो आ चुकी है उन्हें देखिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा। हर हर महादेव।